नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी मिताली राज ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मिताली 32 T20 इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाल चुकी है। 3 बार उन्होंने ICC महिला वर्ल्ड T20 में भी टीम इंडिया की कप्तानी की है। 2012, 2014 और 2016 ICC महिला वर्ल्ड T20 में भारत की कप्तानी भी की है। 2006 में भारतीय महिला टीम ने अपना जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, उसमें भी मिताली ही टीम की कप्तान थी। मिताली ने 88 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2364 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर मिताली राज ही हैं। मिताली राज ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए कहा कि 2006 से T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से खेलने के बाद मैं इस फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा करती हूं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा कहने के बाद मिताली राज ने कहा, साल 2006 से अब तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद मैं इस फॉर्मेट को अलविदा कहना चाहती हूं। मैं इसमें 2021 के वनडे वर्ल्ड कप पर फोकस करना चाहती हूं। अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना ही मेरा सपना है और मैं इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहती हूं। मैं BCCI को लगातार सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और इंडियन T20 टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर होने वाले T20 सीरीज के लिए शुभकामनाएं देने चाहती हूं। तो दोस्तों, ये थी मिताली राज के रिटायरमेंट से संबंधित न्यूज़ जो हमने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।